जय शनिदेव। प्रिय दर्शकों, मैं राजेश जोशी आपका ज्योतिष जागृति केवल सत्य कार्यक्रम में आज फिर से स्वागत करता हूं। प्रिय दर्शकों, जैसा कि आप अच्छी तरह जानते हैं कि श्राद्ध पक्ष चल रहे हैं, आज 14वां श्राद्ध है जो सर्वमात्र श्राद्ध माना जाता है। आपकी माता या माता तुल्य जितने भी पूर्व जन हों, जो स्वर्ग सिधार चुके हों, जो इस दुनिया में ना हों, तो उनके लिए आज सर्वमात्र श्राद्ध माना जाता है। आप उनके नाम का भोजन किसी ब्राह्मण को करवाएं, अपनी यथाशक्ति अनुसार जो भी दान आप दे सकें उन्हें अवश्य दें, उन्हें याद करें, उनके नाम का पाठ पूजन करें ताकि उनका आशीर्वाद आपको सदैव मिलता रहे। पितृदोष कहकर उनका अपमान कभी न करें। पितृदोष कहना अपने पूर्वजों का अपमान करने के बराबर माना जाता है। पितृपक्ष हमें शास्त्रों ने इसीलिए दिया है कि अपने पूर्वजों को याद किया जाए, उनका नाम लिया जाए, उनके अच्छे कर्मों को याद किया जाए और सबसे बड़ी बात उनके नाम को याद करके उनसे आशीष ली जाए। और पितृ कभी दोषी नहीं होते, वो सदैव हमें आशीर्वाद ही देते मिलते हैं। तो प्रिय दर्शकों, आप जानते हैं आज 14वां और सर्वमात्र श्राद्ध है, कल आखिरी श्राद्ध होगा और कल के दिन जो सूर्य बुध के बुध आदित्य राजयोग के विजेता होंगे, मेरी कोशिश होगी कि कल इस चैनल के माध्यम से ही इसी प्रोग्राम में मैं आपको उनसे रूबरू करवाऊं, हम उनसे बातचीत करेंगे ताकि हमसे उनसे बातचीत करके ये जानेंगे कि उन्हें प्रोग्राम देखकर कितना सीखा, कितना समझा, कितना जाना और कैसे वो प्रॉब्लम से फारिग हुए। तो प्रिय दर्शकों, 14वां श्राद्ध आज है, सर्वमात्र श्राद्ध माना जाता है। जिनको भी अपने माता या माता तुल्य जनों का श्राद्ध नहीं पता है तो वो सर्वमात्र श्राद्ध वाले दिन ये चीज़ कर सकते हैं। किसी ब्राह्मण को भोजन करवा सकते हैं, किसी फोर्थ क्लास एम्प्लॉय को कुछ खिला सकते हैं, किसी बैगर को कुछ दे सकते हैं या जो भी यथाशक्ति अनुसार आप दान करना चाहे कर सकते हैं ताकि पितृ आशीष आपको देते ही मिलें। आपका सर्वमात्र श्राद्ध जो होता है वो आपको पॉजिटिव रिजल्ट देने में बाध्य हो जाए। प्रिय दर्शकों, आजकल हमारी चर्चा चल रही है, हम उस पर वापस आते हैं। चर्चा हमारी चल रही है चंद्र और मंगल के महालक्ष्मी योग की। मैंने मेष लग्न की कुंडली में बताया था कि ये योग बनता है, वृष लग्न की कुंडली में दोनों ग्रह मारक होने की वजह से ये योग नहीं बनता। अब इस श्रृंखला को कंटिन्यू करता हुआ आज बात करते हैं मिथुन लग्न की कुंडली। प्रिय दर्शकों, मिथुन लग्न की इसलिए बनी क्योंकि लग्न में ही तीन नंबर लिखा है। तीन नंबर मिथुन राशि होती है जिसके स्वामी बुध देवता माने जाते हैं। बुध देवता इस कुंडली की कंट्रोलिंग पावर है। बुध देवता ने चंद्रमा देवता को क्या दिया? बुध देव ने चंद्रमा देवता को दूसरे घर का मालिक बनाया। दूसरा घर धन का, कुटुंब का और वाणी का माना जाता है। अष्टम टू अष्टम थ्योरी के मुताबिक इस लग्न कुंडली में चंद्रमा ग्रह अति मारक बन जाता है। चंद्रमा अति मारक ग्रह माना जाता है। और बुध देवता ने मंगल देव को क्या दिया? बुध देवता ने मंगल देव को छठे भाव का मालिक बनाया। छठा भाव रोग, ऋण, कर्जा, दुर्घटना, मुकदमा, कोर्ट केस, लिटिगेशन, इन सब चीज़ों का, हाउस ऑफ कंपटीशन का मालिक भी बनाया। और मंगल देवता को ग्यारहवें भाव का मालिक बनाया। ग्यारहवां भाव आपके बड़े भाई बहन का भाव, ग्यारहवां भाव आपके लाभ का भाव, ग्यारहवां भाव आपकी छोटी मोटी हेल्थ प्रॉब्लम्स और आपकी इच्छा पूर्ति का भाव माना जाता है। लेकिन ये भाव छठे से छठा होने की वजह से छोटी मोटी बीमारियां भी साथ लेकर के आता है। तो मिथुन लग्न की कुंडली में प्रिय दर्शकों ये बात अच्छी तरह समझ लीजिए कि चंद्रमा भी अति मारक ग्रह बन जाता है क्योंकि वो भी लग्नेश का अति शत्रु है, और मंगल देवता भी अति मारक ग्रह बन जाता है क्योंकि वो भी लग्नेश का अति शत्रु है, जिसकी वजह से उन दोनों के रिजल्ट्स नेगेटिव होते हैं। हाँ, मंगल किसी विपरीत राजयोग की स्थिति में आके अच्छा फल दे दे, ये एक अलग इशू है, इसकी डिस्कशन हम बाद में करेंगे। यहाँ हम चंद्र मंगल के महालक्ष्मी योग की डिस्कशन कर रहे हैं। उस डिस्कशन में चंद्र मंगल का महालक्ष्मी योग इस लग्न कुंडली में कभी बनता ही नहीं है, ये चीज़ प्रिय दर्शकों नोट कर लीजिए। क्यों? क्योंकि उसका सबसे मुख्य कारण ये है कि चंद्रमा देवता भी इस लग्न कुंडली में अति मारक ग्रह माने जाते हैं।
अति मार्केट में होने की वजह से वो कभी अपनी दशा अंतर दशा में अच्छा फल देते ही नहीं, वो सदैव मुश्किलों और दिक्कत परेशानियों से जातक को खड़ा ही रखते हैं। चंद्रमा देवता का सुच्चा मोती प्रिय दर्शकों मिथुन लग्न के जातक को सदैव वर्जित माना जाता है, वो कभी किसी कीमत पर धारण नहीं किया जाना चाहिए, क्योंकि वो लग्नेश का ही अति शत्रु है और वो लग्नेश को खत्म करने की काबिलियत अपने अंदर रखता है। ये सोचकर आप धारण कर लो कि आपका धन कुटुंब वाणी में अच्छा हो जाएगा, और आप मोती धारण करोगे तो आप सबसे बड़ी भूल करोगे, क्योंकि मोती धारण करने से आपको सिवा शारीरिक कष्टों से, सिवा आपकी वाणी खराब होने से और परिवार में कलह क्लेश बढ़ने के अलावा कुछ नहीं मिलने वाला। मोती पहना हुआ सदैव आपको नुकसान देगा। दर्शकों बात करते हैं मंगल देवता की। मंगल देवता इस लग्न कुंडली में षष्ठेश हैं, यानी छठे भाव के मालिक हैं, और एकादशेश यानी ग्यारहवें भाव के मालिक हैं। इस लग्न कुंडली में मंगल देवता का रतन मुंगा भी किसी कीमत पर किसी भी जातक को नहीं पहनाया जाना चाहिए, क्योंकि मंगल एक मारक ग्रह है मिथुन लग्न की कुंडली में, और वो 6, 8, 12 में आकर चाहे विपरीत राजयोग बनाकर अच्छा रिजल्ट देने में बाध्य ही क्यों ना हो, लेकिन उसके रिजल्ट्स सदैव टोटली नेगेटिव रहेंगे, उसके रिजल्ट्स हमें अशुभ रहेंगे अगर विपरीत राजयोग के में भी हमने पहन लिया तो। क्यों? क्योंकि इस लग्न कुंडली में मंगल देवता रोगेश है, आपकी बॉडी में कोई ना कोई ब्लड रिलेटेड प्रॉब्लम खड़ी करके, आपको सटफेट लगवा करके, चोट एक्सीडेंट लगवा करके, लड़ाई झगड़ा करवा करके आपका जीवन यापन मुश्किलों में डाल सकता है। तो इस लगन में भी याद रखिए प्रिय दर्शकों, दोनों ही ग्रह मारक हैं, चंद्रमा भी अति मारक ग्रह है और मंगल देवता भी अति मारक ग्रह है, इसलिए इस लगन कुंडली में कभी किसी भी कीमत पर किसी भी जातक का चंद्र मंगल का महालक्ष्मी योग बनता ही नहीं है। अगर कोई विद्वान आपको कह दे कि आपकी लग्न कुंडली ये है और इसमें ये योग बन गया तो समझ लीजिए कि विद्या पढ़ने में अभी बहुत बड़ी कमी है, विद्या पढ़ने में बहुत बड़ा गैप अभी रह गया है बेसिक्स को समझने का। इस लग्न कुंडली में चंद्रमा देवता जितना डिग्री वाइज बलाबल में कमज़ोर होगा उतना कुंडली के लिए अच्छा होगा। क्यों? क्योंकि वो आपके शरीर का अति शत्रु है, आपके शरीर का शत्रु जितना बलाबल में कम होगा उतना ही कुंडली में शुभ माना जाएगा। बात मंगल देवता की करें प्रिय दर्शकों, तो मंगल देवता भी इस लगन की कुंडली में रोग स्थान के मालिक हैं, वो जितना डिग्री वाइज बलाबल में कमज़ोर होंगे इसका मतलब उनमें मार्केतव का तत्व उतना कम हो गया, और मार्केतव का तत्व कम होना कुंडली के लिए शुभ माना जाता है। मैंने पहले भी इसके बारे में दर्शकों को जानकारी दी थी कि कारक ग्रह अगर कमज़ोर होता है तो उसके कारकित्व में कमी आती है, लेकिन अगर मारक ग्रह कमज़ोर होता है तो उसके मारकित्व में कमी आती है और वो शुभ माना जाता है। कारक ग्रह कमज़ोर होगा तो कुंडली के लिए अशुभ होगा क्योंकि उसके कारकित्व में कमी आई, मारक ग्रह कमज़ोर होगा तो उसके मारकित्व में कमी आई तो वो कुंडली के लिए अच्छा रिजल्ट देने में बाध्य ज़रूर होगा। तो ये बैलेंस आपको बनाना आना चाहिए कि कुंडली में योग कारक ग्रह बुरा फल दे सकता है, उसकी प्लेसमेंट डिसाइड करती है कि वो कैसा फल अपनी दशा अंतर दशा में देने वाला है। कुंडली को डिफाइन करने से पहले ये डिफाइन मत कीजिएगा ये 1, 5, 9 का मालिक है तो सदैव अच्छा ही होगा। हो सकता है 1, 5 के 9 के मालिक ही आपका पट्टा बिठाने वाले हों अगर उनकी प्लेसमेंट गड़बड़ हो गई। प्लेसमेंट सबसे ज़्यादा मैटर करती है, प्लेसमेंट ही ये निर्णय करती है कि आपकी कुंडली का स्टेटस क्या है और आपकी कुंडली में कौन सी दशा अंतर दशा आपको कैसा फल देने वाली है। प्लेसमेंट के बाद बात डिग्री की आती है कि डिग्री वाइज बलाबल ग्रह में होना अति आवश्यक है। मैं बहुत पहले से इस पे बहुत ज़्यादा जोर देता आया हूँ, अब आप में से बहुत सारे लोग इसे समझने लगे हैं कि स्वयं नोट कीजिए, अगर अच्छे घर का मालिक अच्छी जगह भी पड़ा हो अगर अंश मात्र अपने बलाबल में कम होगा तो अपनी दशा अंतर दशा में वो कदापि रिजल्ट देने वाला नहीं होगा,
और आम जो हाथ की बनी हुई पत्री होती है उसको देखकर बहुत सारे लोग समझ ही नहीं पाते, इसका तो जी बुद्ध देवता उच्च का पड़ा है चौथे भाव में, और बुद्ध की दशांतरा इसको रिजल्ट नहीं दे रही। क्यों? क्योंकि बुद्ध पढ़ाई बेचारा 1-2 डिग्री का होता है, बुद्ध पढ़ाई 28-29 डिग्री का होता है। ये हम देखना भूल जाते हैं, और जब ये देखना भूल जाते हैं तो हमारी कैलकुलेशन में कहीं ना कहीं बहुत बड़ी कमी आती है, हम सटीक कैलकुलेशन नहीं कर पाते। हमें ये सबसे पहले देखना होगा कि योग कारक ग्रह अगर कुंडली का है तो वो किस भाव में गया है और डिग्री वाइज कितना बलाबल लेकर के बैठा है। जितना उसमें डिग्री वाइज बलाबल होगा उतने परसेंट वो अच्छे या बुरे रिजल्ट देने में सक्षम होगा। उसकी सक्षमता ही ये निर्णय करेगी कि जीवन यापन में आप कितने तरक्की और कितनी बुलंदी पर जा सकते हैं उसकी मदद से। तो प्रिय दर्शकों, ये बात सदैव स्मरण रखिएगा, इस लगन की कुंडली में ना तो कभी सुच्चा मोती गलती से भी धारण कीजिएगा, ना कभी मंगल देवता का रतन मूंगा धारण कीजिएगा। दोनों ही रतन इस लगन कुंडली में धारण करना सदैव आपके लिए वर्जित माना जाता है। तो प्रिय दर्शकों, ये रतन वर्जित होते हैं, ये बात तो आपने समझ ली, और आपने ये भी समझ लिया कि ये दोनों मारक ग्रह हैं, इस लगन कुंडली में ये योग नहीं बनाते। जाते जाते आपको फिर याद दिला दूं प्रिय दर्शकों कि आज सर्वमात्र श्राद्ध है। सर्वमात्र श्राद्ध अपनी सभी माता या माता तुल्य जितने भी बुजुर्ग हों जो इस मृत्यु लोक को छोड़ करके स्वर्ग लोक में चले गए हों, उनके आशीर्वाद लेने के लिए आप किसी ब्राह्मण को भोजन करवा सकते हैं, आप किसी भी भिखारी को भोजन करवा सकते हैं, किसी भी ज़रूरतमंद को अपनी यथाशक्ति अनुसार कुछ भी छोटा मोटा दान जितना भी आप अफोर्ड कर सके, जो आपको दिक्कत परेशानी में ना लाए, जो आपकी यथाशक्ति हो वो दान दे करके अपने पूर्वजों को याद करके, अपने मातृतुल्य सारी स्त्रियों को अपने पूर्वजों को याद करके उनका आशीर्वाद अवश्य ले सकते हैं। क्योंकि पितृ दोष कहना पितरों का अपमान करने के बराबर माना जाता है, उससे अच्छा ये है कि आप स्वयं छोटा सा पाठ पूजन उनके लिए कर लीजिए, यथाशक्ति अनुसार उनके लिए दान दे दीजिए, ताकि वो सदैव आपके ऊपर अपने आशीर्वादों की बारिश करते मिलें। और अपनी कुंडली में सही विवेचन करना, सही दिशा में ज़रूर कोशिश कीजिए कि आपके दशा अंतरदशा कौन से ग्रह की चल रही है और उसकी प्लेसमेंट कहाँ है। कहीं आपकी साथ में 7.5 तो नहीं चल रही, कहीं शनिदेव का टैया तो नहीं चल रहा, इस बात का साथ में निर्णय कर लीजिए। क्योंकि 50% रोल महादशा अंतरदशा करती है, 50% रोल कुंडली में गोचर करता है। दोनों में से एक चीज़ बिगड़ जाए तो गाड़ी चल जाती है, दोनों चीज़ें बिगड़ जाएँ तो बहुत मुश्किल होती है। प्रिय दर्शकों, आज अपनी वाणी को यहीं विराम देता हुआ हम सब के लिए मंगल कामना करता हूँ, शनिदेव से ये प्रार्थना करता हूँ कि हे शनिदेव, हम सब पर अपनी कृपा दृष्टि दया दृष्टि सदैव बनाए रखें। जय शनिदेव। We'll be right back.